हाँ नमस्कार बागवान भाइयों, आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल चांशल एप्पल में स्वागत है। आज हम फिर से एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स से आपको रूबरू कराएंगे और उनकी जो सफलता की कहानी है उससे भी रूबरू कराएंगे, उनकी अपनी जवानी। तो आज हम ले चलते हैं आपको रनसार वैली के खूबसूरत गांव जलवाड़ी में। जलवाड़ी जो है सबसे पहला गांव है रनसार वैली का, जहाँ सेब लगा था 1958 में। हमारे जो दादाजी बोले उनको मेर सिंह ठाकुर जी ने, तो उसके बाद आज तक जो इस वैली को रिप्रेजेंट कर रहा है सेब के मामले में वो जलवाड़ी गांव कर रहा है। तो उसी कड़ी में आज ट्रेडिशनल खेती से लेकर आज हम हाईटेक जो बागवानी है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो आज हम ऐसे बागवान से मिलाएंगे जिन्होंने इनके बाद में रॉयल के प्लांट भी है, रॉयल के जो बगीचे भी है उसके साथ साथ इन्होंने जो हाई डेंसिटी है उस पर भी कार्य किया है। तो नमस्कार सर, तो आप सबसे पहले हम जानेंगे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्रम ठाकुर, मैं गांव जलवाड़ी से रनसार वैली। और तो आप, मैंने इस बार ही ये प्लांट लगाई है। हाँ, टोटल इसमें 110 पौधे लगे हुए हैं इस खेत में। तो सर आपको सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे हम आप अपने चैनल में, और दूसरी बात हम पूछना चाहेंगे जो आप ये हाईटेक मतलब जो हाई डेंसिटी की तरफ जाने का जो आपका मन है ये कैसा बना और किसको देख के आपको लगा कि आने वाला जो समय है वो हाई डेंसिटी का है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं हमारे को। समय आज का समय जो है इस तरफ की ओर ही जाना पड़ेगा हमको। पिछले जो पौधे है रॉयल के है उसका तो फ्यूचर अब दिख ही रहा है किस तरह से हो रहा है। तो हमारी एप्पल सोसाइटी जो है उनसे सलाह लेके तब जाके हमने ये पौधे लगाए। और सर ये जो प्लांटेशन की थी आपने ये कौन से मंथ में की थी? ये प्लांटेशन हमने अप्रैल के एंड में की थी। ये पौधा जो लगा था अप्रैल के एंड में, अप्रैल में किया था हमने एंड में। और तो जो ये जो इम्पोर्टेड प्लांट लिया था हमने, तो इसमें जो एब्नाइन में कौन सी वैरायटी लगाई है? ये स्निको रेड नमगाला है। स्निको रेड, स्निको स्निका रेड है। तो तकरीबन जब ये प्लांट आया था तो जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो इसमें हम सारे लोग थे, इनमें से ये विक्रम ठाकुर जी भी थे और सुषमा ठाकुर जी भी थे और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ गुरु जी भी थे जब हमने ये प्लांटेशन लगाया। तो हम जाते सुषमा ठाकुर जी से कि जैसे ये प्लांट लगाया था उस टाइम यहाँ जो एक विचारधारा है लोगों की, ये तो टमाटर की खेती है मतलब छोटे छोटे पौधे हैं। तो पहली बार यहाँ सैंपल आया जब प्लांट फ्रूट का, तो आपको कैसा लगा दाने देख के पहली साल 6 महीने में? बहुत अच्छी खुशी हुई है कि दाने देख के बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा प्लांट लगा है। और ये पहला ऑर्चर्ड ऐसा है कि इस गांव में इससे पहले भी लगे शायद M9 पे पहला ऑर्चर्ड है। और विद इन 6 मंथ में आज इस प्लांट की यदि हाइट देखेंगे तो तकरीबन एक हाई डेंसिटी की जो M9 की रिक्वायर्ड हाइट है 12 फीट है, तो 12 फीट भी ये क्रॉस कर चुका है एक साल में। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है प्लांट की कनोपी बन गई है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसमें जो हम न्यूट्रिशन है वो सारा ऑर्गेनिक बेस्ड है। तो इसके साथ साथ हम गुरु जी से बात करना चाहेंगे, गुरु जी ने भी देखा है कि आपको कैसा लगा गुरु जी ये जो हाई डेंसिटी की तरफ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षक का रोल बहुत ज़्यादा अहम रहता है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बागवानी के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में। सबसे पहले शिक्षक, समाज को यदि सुधारने में सबसे ज़्यादा रोल रहता है शिक्षक का। जब हमने ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया था गुरु जी हमारे साथ थे, तो गुरु जी आपको कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट कैसा लग रहा है इस बच्चे में? इसमें आके ना बहुत ही इनको एक होता है कि पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है ठाकुर साहब की बागवानी देख के। तो मतलब अभी भी इसमें मैं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल ऐसी है कि मतलब नवंबर भी पूरा अभी बिल्कुल है, मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन है, बहुत अच्छी मेहनत है। और काफ़ी मतलब फल तो मैं नहीं देख पाया लॉकडाउन पर, जो जो पेड़ की जो ग्रोथ है जो सारी इसकी मेंटेनेंस है वो बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी। और गुरु जी आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि हाई डेंसिटी घाटे का सौदा है कि आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे देखा आप एनवायरमेंट चिलिंग और पूरे नहीं हो रहे, तो जैसे ये हाई डेंसिटी लग रही है इसमें एक लेबर की भी हमारी बचत है कि लेबर यदि नहीं होती तो हमारे घर वाले ही इसको फोनिंग कर सकते हैं, इसके
प्लकिंग कर सकते हैं, सारा काम खुद कर सकते हैं, हल्का फीमेल कर सकते हैं, तो आपकी क्या मतलब एक मैसेज रहेगा युवाओं के? स्पेशली छुआरा क्षेत्र के जो हमारे युवा है, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी वेकेंट लैंड है, क्योंकि अब हम इसमें धान की या गेहूँ वगैरह नहीं वो फसल नहीं उगा सकते जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर है, और सेब भी हमारे को आना पड़ेगा अगर हमें मार्केट में कॉम्पिटिशन देना है, तो हमें ये हाई डेंसिटी जो हिसाब हम आपके सामने हैं इसकी तरफ हमारे को मतलब ज़्यादा झुकाव रखना। तो बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बढ़िया संदेश दिया आप। इसी के साथ एक कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यहाँ चपाल क्षेत्र से हमारे जो कलीग है अनिल जी, आपने भी हाई डेंसिटी देखी है, ये 6 महीने की हाई डेंसिटी है, 6 महीने हुए इसको लगा के, तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि हाई डेंसिटी पे जाना चाहिए? थोड़ा सा आप अपना विचार ज़रूर शेयर करें इस पर। देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि हाई डेंसिटी की तरफ हमारे को जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, जो उसका प्रोडक्शन है वो कम है। अगर आप हाई डेंसिटी की को देखा जाए, तो हमने जैसे इनकी सर की बात सुनी कि भाई अभी अभी हाल ही में पीछे लगे हैं, अभी अभी फल भी दे दिया, 8 महीना हुआ है इस प्लांट को लगे हुए, 8 महीने में जो है फर्स्ट में फल भी दे दिया है, और साइज भी लार्ज मीडियम रहा है, फ्रूट भी देखा, फ्रूट अभी तक इतनी फ्रेशनेस है फ्रूट में कि बहुत लाजवाब है ना। तो धन्यवाद सर आपका, लेकिन एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, हम ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे कि सीडलिंग बेस्ट है और जो आपका रूस्टॉक बेस्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिसके पास जैसी अपनी क्षमता है वो उस हिसाब से जाए, लेकिन आने वाला जो समय है वो क्वालिटी प्रोडक्शन का है, ये नहीं है कि पहले क्वान्टिटी चलती थी, लेकिन आज का जो समय वो क्वालिटी का है, और क्वालिटी सीडलिंग में भी दे सकते हैं यदि हम उसमें वही पैटर्न चलाएं जो हम इसमें चला रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, क्नोपी सिस्टम बढ़िया हो, प्रोनिंग बढ़िया हो, सन पेनिट्रेशन बढ़िया हो, तो आने वाला जो वक्त है, यदि हम युवाओं की बात करें तो इस क्षेत्र के काफ़ी युवा है कि जो हाई डेंसिटी की तरफ आना चाहते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, हम चाहते हैं कि छुआरापर वैली सोसाइटी की ओर से ये बच्चा दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, तो और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, इसका प्रूनिंग सेशन भी पूरा रखेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे वो फ्लावर पे हम इसको दिखाएंगे कि एक साल का प्लांट हमारी इनकम को कैसे दुगुना करता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री या माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की किसानों की आय कैसे डबल करनी, तो हम लोगों को कम लागत में ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा हाई डेंसिटी, क्योंकि लेबर और एनवायरनमेंट और जो हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो हम लोगों को इस चीज़ पे आना पड़ेगा। जो आना चाहे उसके लिए भी यही कि M9 लगाने से पहले थोड़ा सा विजिट करे बागवानों को, तो उसी फार्मर के जाए उसके बाद ही करे, क्योंकि इसमें सबसे मेन रोल है आपका न्यूट्रिशन का, बहुत ज़्यादा रोल है कि पानी कब देना है उसका मेन रोल है, ऐसा भी नहीं कि बिना पानी से, पानी उतना ही लगता है इसमें, ज़्यादा पानी का कोई भी नहीं है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।